हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। जैसे ढाबे में बनती है उस तरीके से मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैंने ये 250 ग्राम पनीर लिया है और 250 ग्राम ही हमने मटर लिए। तो ये सफल मटर है जो पैकेट में आती है, ये वाली मटर लिए मैंने। और इसके लिए हमने लिए 4 टमाटर लिए, ये हमने इस तरीके से काट लिए, एक में से 4 पीस बड़े बड़े टमाटर कर लिए। ये हमने प्याज लिए, इसको भी रफली काट लिए बड़े बड़े। और 2 मैंने हरी मिर्च लिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये लिया है मैंने। ये छोटी वाली कटोरी, इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब पहले आए की तैयारी करते हैं मसाला बनाने की। अब मसाला बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी बना सकते हो, लेकिन घर में बना रहे तो सरसों के तेल में अच्छी बनती है। अभी सरसों का तेल डाल दिया। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा एक, काली मिर्च और लौंग, 2 छोटी इलायची, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब इनको भून लेते हैं पहले थोड़ा सा। अब ये भून गया है, इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को भी थोड़ा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि ये जो खुल जाए प्याज हमारी, इतना ही भूनना है। अब ढाबे रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, ये मसाला बना के रख लेते हैं और सारी सब्जियों में यूज़ करते हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। प्याज हमारी भून के देखो खुल भी गई है प्याज सारी, बस हमने इतना ही भूनना है। इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और साथ साथ इसमें हम डालेंगे टमाटर। भून लेंगे थोड़ी देर, टमाटर भी भूनेंगे। टमाटर भी भून गए, इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, तो भी साथ में मिला देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, और मसाले डालने के टाइम हम गैस सिम कर देंगे। तो हल्दी डालेंगे हम 1 चम्मच भर के, हल्दी, मिर्च डालेंगे थोड़ी सी कम डालेंगे मिर्च, हमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा डालेंगे, जो कलर वाली होती है, इससे कलर अच्छा आता है। गरम मसाला, धनिया डालेंगे 1 चम्मच भर के, धनिया जितना ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब्ज़ी के अंदर, उससे ग्रेवी गाढ़ी जाती है। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, मिर्च हम कम रखेंगे क्योंकि जो ढाबे में रेस्टोरेंट में सब्ज़ी मिलती है उसमें मिर्च कम होती है, मीठापन होता है सब्ज़ी के अंदर, तो अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब इसको पकाएंगे मसाले को, जब तक कि हमारे टमाटर गल ना जाए, तो हमें इतना ही पकाना है। तो ढक्कन लगा के मसाला पकाएंगे। मसाला चेक कर लेते हैं, मसाला हमारा हो गया है, देखो तेल छोड़ दिया है, बस अब गैस बंद कर देंगे। इसको ठंडा करके फिर हम पीसेंगे, तो खुला करके छोड़ देते हैं, तो फटाफट से हमारा मसाला ठंडा हो जाए। अब मसाला ठंडा हो गया है, उसको एक मिक्सी जार में डाल लेते हैं पीसने के लिए। बिल्कुल बारीक पीसेंगे, ग्रेवी हमने पीस ली है।
जो मसाला था हमने पीस लिया, ग्रेवी तैयार कर ली है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सरसों का तेल दोबारा से, मतलब एक चम्मच के करीब इतना तेल डालना है। तेल गर्म हो गया है, इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा सा, जीरा डालने के बाद जीरा हल्का सा तड़क जाए इसमें डालेंगे ग्रेवी। ग्रेवी हमने बिल्कुल बारीक कर ली थी, एकदम बारीक पीस ली थी। ढाबे वाले क्या होते हैं, ये रेस्टोरेंट वाले पीसने के बाद छानते हैं, तो हमने बिल्कुल बारीक कर लिया, तो हमें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल बारीक पीस लो तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे, जिस जार में हमने मसाला पीसा है उसी जार में थोड़ा पानी लेके इसमें पानी डालेंगे। जो मसाला जो एक्स्ट्रा था इसमें लगा हुआ था वो भी निकल जाएगा। अब ये पानी था जार के अंदर ही डाल के हम इसमें डाल देते हैं मसाले के अंदर। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, यह ढाबे के अंदर ग्रेवी इस कलर की होती है, इस कलर की ग्रेवी इस तरीके से बनती है। अगर आप प्याज ज़्यादा लाल करके भून लोगे तो ग्रेवी इस तरीके की नहीं बनेगी, हल्की पकाओगे प्याज को तो ग्रेवी इस तरह की तैयार हो जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा के पहले थोड़ा पका लेंगे। अब ग्रेवी में हमारी एक उबाल आ गया है, हम गैस धीरे कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, एक चम्मच के करीब हम चीनी डालेंगे मसाला बैलेंस करने के लिए। थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, हम इसको चला देते हैं। अब इसके हम डालेंगे मटर, ये सफल मटर है, ये वाले मटर यूज़ करेंगे हम। मटर डाल देंगे सारे, कलर आपको बिल्कुल वैसा दिख रहा होगा जैसे ढाबे में बनता है, ये रेस्टोरेंट में मिलता है। इसमें डालेंगे ये मखाने, मैंने भिगो के रखे थे, मखाने डाल देंगे, मखाने भिगो के रख दिए थे मैंने। इसमें पनीर डालेंगे, घर के लिए बना रहे थे छोटे छोटे पीस कर ले पनीर के, और जैसे रेस्टोरेंट में दो तीन पीस डालते हैं बड़े बड़े से, तो हम घर के लिए बना रहे हैं तो मैं छोटे छोटे पीस कर लिए पनीर के। इस तरीके से पनीर डाल देंगे, इसको अच्छे से चला के 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इसको ढक देते हैं पकने के लिए और गैस कर देंगे धीरे। जी चेक कर लेते हैं, सब्ज़ी देखो बिल्कुल रेडी हो गई है, साइड में तेल छोड़ दिया है दिख रहा होगा। अभी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, मटर पनीर की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है ढाबे में मिलती है बिल्कुल वैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और दोस्तों का शेयर भी करें। आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।